आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में बनेगा नया विधानसभा भवन और सचिवालय, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। रुड़की में ड्रोन निर्माण इकाई का शुभारंभ, 100 इंजीनियर्स की आवश्यकता। हल्द्वानी में बीजेपी नेता प्रतिमंचों के बल पर छेड़खानी करने का आरोप, मुकदमा दर्ज। देहरादून में ईडी अफसर की पत्नी ने किया सुसाइड, आईटीबीपी कर्मचारी की बेटी ने लगाई फांसी। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग जिले के भ्रमण के दौरान बताया कि राज्य सरकार ने जिले को दो बड़ी सौगातें दी हैं, जिनमें नर्सिंग कॉलेज और 50 बेड का एक ऐसा अस्पताल बनने जा रहा है जिसमें क्रिटिकल मरीजों को उपचार मिलेगा। हमारी सरकार ने दो नए तोहफे दिए हैं हमारे रुद्रप्रयाग जिले को। पहला तो ये है कि यहाँ नर्सिंग कॉलेज बनेगा, एक महीने में उसका भूमि पूजन हो जाएगा, लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से यहाँ का नर्सिंग कॉलेज बनेगा। एक हमारा जो जिला हॉस्पिटल है वहाँ पे 23 करोड़ रुपये की लागत से CCB हमने दिया है, यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक, उसमें 50 बेड का बनेगा और उसमें हर प्रकार के जो भी क्रिटिकल मरीज हैं उनका इलाज यहीं पर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दो बड़ी सौगात हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने रुद्रप्रयाग जिले को दी हैं। और आज ये भी बड़ी बात है कि रुद्रप्रयाग जिले में अब डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा हो गई है, यहाँ जितने डॉक्टर चाहिए थे उससे 7 ज़्यादा डॉक्टर आ गए हैं, तो अब डॉक्टरों की भी कमी नहीं है। और आज जो हमारे CMO ने मुझे बताया कि यहाँ पर चाहे गर्भवती महिलाओं का लाने और ले जाने की व्यवस्था हो, चाहे हमारे आयुष्मान कार्ड की से जो फ्री इलाज हो रहा हो, और चाहे हर प्रकार की हम 228 जाँचें वह 58 जाँचें फ्री करा रहे हैं, और अभी तक 25,000 लोगों की जाँचें फ्री हो चुकी हैं रुद्रप्रयाग जिले में। तो काफ़ी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे हैं। उत्तराखंड में भी अब ड्रोन का निर्माण हो सकेगा, इसके लिए रुड़की के रामनगर में ड्रोन निर्माण इकाई स्थापित हो गई है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर कंपनी के 2 ड्रोन भी लॉन्च किए गए। ये कंपनी ड्रोन के माध्यम से मैपिंग का कार्य भी करती है। वही कंपनी में 100 इंजीनियर्स की आवश्यकता है जिसमें उत्तराखंड के युवाओं को वरीयता दी जाएगी। CM धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा के समय बचाव कार्यों में ड्रोन महत्वपूर्ण साबित होंगे, भारत विमान बनाने में सदियों से आगे रहा है। बारिश के बाद उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार भूस्खलन हो रहा है। पिथौरागढ़ जिले में भी अनेक जगहों पर बारिश के बाद लगातार भूस्खलन जारी है जिसकी वजह से जिले के लगभग 2 दर्जन सड़कें बंद हैं। भूस्खलन की एक ऐसी ही ताजी तस्वीर पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से सामने आई है जहाँ टनकपुर तवा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा के मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले सड़क पर कालिका SSV कैंप नया बस्ती के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन की वजह से सड़क बंद है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 9 जुलाई को पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को ही देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी भारी से बहुत भारी बारिश ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में पिछले एक दशक से लटके नई विधानसभा सचिवालय भवन के प्रस्ताव पर आखिरकार भारत सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दरअसल देहरादून के रायपुर क्षेत्र में 60 हेक्टेयर भूमि पर विधानसभा सचिवालय भवन और आधारभूत सुविधाओं के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद अब जल्द ही इसके निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 60 हेक्टेयर की भूमि पर फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल चुका है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन राज्य बनने से पहले ये भवन CDO ऑफिस हुआ करता था और राज्य बनने के बाद इसे विधानसभा भवन बना दिया गया है, जिसमें सत्र के लिहाज से ये जगह पर्याप्त नहीं है, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय भागुड़ा की सरकार में ये प्रस्ताव तैयार किया गया था। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में 3-3 विधानसभा भवन हो जाएंगे, क्योंकि देहरादून में अभी एक विधानसभा भवन है और दूसरा गैरसैंण में बना हुआ है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड वन विभाग के सौजन्य से उत्तराखंड में 75 नगर वन बनाया जा रहा है, जिसमें कल लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज के पनियाली पीठ में नगर वन का शुभारंभ कोटद्वार विधायक ऋतुभूषण खंडूरी ने कोटद्वार रेंज में रुद्राक्ष का पेड़ लगाकर नगर वन में 75 पेड़ लगाए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा कि शहरों में डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरह लगातार पेड़ों की संख्या कम हो रही है, उसे देखते हुए भारत सरकार की नगर वन योजना बहुत लाभकारी है। और आप लोगों को जैसे यहाँ के वन के अधिकारियों ने बताया कि वन नगर करके एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है और उसमें कोटद्वार भी चुना गया। 75 ऐसी जगह हैं भारत में जहाँ ये वन विहार का कार्य आज हो रहा है, इसमें वृक्ष लगाए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि पहाड़ों में और गांव में तो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन
नगर कहीं ना कहीं छूटते हैं क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ पौधों पर हम लोग बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए मुझे बहुत ही आज अच्छा लगा कि एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोजेक्ट भारत सरकार लेकर आई है जो कि नगरों को वन लगाने में, पेड़ लगाने में, पौधे लगाने में इंस्पायर कर रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें आज बच्चे भी इन्वॉल्व थे कोटद्वार के, और 75 से ज़्यादा पेड़ आज यहाँ पर लगाए जाएंगे। उसके बाद उस वन विहार को डेवलप किया जाएगा ताकि वो आम आदमियों के लिए उसमें घूमने फिरने की एक अच्छी जगह बने। जैसे बताया गया, बेंच लगेंगे उसमें, पेड़ पौधे बढ़िया लगाए जाएंगे, घूमने की, वॉक करने के लिए वहाँ पर अच्छा पार्क जैसा बनाया जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे कार्यक्रम में मैं आज कोटद्वार पधारी हूँ और ये आज मेरे द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। पेड़ लगाने की मुहिम तो छेड़ते हैं पर बचाने की मुहिम नहीं छेड़ते। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और बहुत आवश्यक है कि हम पेड़ बचाएं। ये संस्कार हमें बच्चों में देने पड़ेंगे और अफसरों को भी, अपने जो उनके जूनियर्स हैं उनको ये समझाना होगा कि केवल पेड़ लगाना ही नहीं, उनको बचाना बहुत आवश्यक है आज के समय में। और मुझे लगता है ऐसा धीरे धीरे होना शुरू हुआ है और आगे ये और होगा। ये परियोजना तैयार करके भारत सरकार को भेजी गई जो कि अनुमोदित ही हो गई है, इस पर अब हम लोग काम शुरू करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत मेनली ये है कि पहले क्षेत्र को सुरक्षित किया जाएगा ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से वाइल्ड लाइफ का, जो घूमने वाले हैं या विजिटर्स हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का हमला आज न होने पाए। तो सबसे पहले इसकी फेंसिंग होगी, चेनलिंग फेंसिंग इसमें की जाएगी। फेंसिंग के बाद इसमें ट्रेल बनाए जाएंगे और इसके अलावा योगा पार्क विकसित किया जाएगा। इस तरह से कई भी इसमें अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, कहीं इसमें थोड़ा थोड़ा सा स्थितिवन भी बनाएंगे, छोटी सी औषधि पौधों की एक नर्सरी भी बनाएंगे। इसका संचालन स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया जाएगा, एक समिति बना करके, ताकि वीवीआईपी लोगों में भूस्खलन वाली सड़कों पर भी आगे जाने की होड़ लगी रहती है, भले ही जनता को इससे असुविधा हो। बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के सिरोबगड़ में जहां लगातार भूस्खलन हो रहा है, वहीं वहां एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक वीआईपी गाड़ी और पुलिस एस्कॉर्ट सायरन बजाते हुए निकल रहे हैं, जिसमें सड़क पर जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। मानसिक तनाव के चलते गुरुवार रात थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत ईडी अधिकारी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। वहीं थाना बसंत विहार क्षेत्र में आईटीबीपी कर्मचारी की बेटी ने भी खुदकुशी कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। थाना राजपुर पुलिस के अनुसार राजपुर क्षेत्र निवासी ईडी अधिकारी अभय कुमार की 45 वर्षीय पत्नी प्रियंका सिन्हा ने गुरुवार को अपने कमरे में चुन्नी के सहारे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने आनन फानन में थाना राजपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं दूसरा मामला थाना बसंत विहार क्षेत्र का है, जहां आईटीबीपी कर्मचारी अरविंद की 24 वर्षीय बेटी सोनल ने अपने कमरे में पंखे से चुन्नी के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के समय पर परिजन अपने गांव गए हुए थे। वापस आने के बाद ही बेटी की आत्महत्या की जानकारी मिली। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार सोनल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि प्रियंका सिन्हा काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी, जिसका इलाज भी चल रहा था, जबकि सोनल भी काफी दिनों से मानसिक तनाव में थी। लेकिन पुलिस दोनों मामलों में अन्य कारणों की जाँच भी कर रही है। हल्द्वानी के बिंदु खत्ता में भारतीय जनता पार्टी मंडल के महामंत्री के ऊपर एक महिला ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर छेड़खानी करने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए लालकुआ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के घोड़ा नाला निवासी पीड़िता ने पुलिस में तहरीर देते हुए बताया कि गुरुवार 7 जुलाई की रात करीब 9 बजे संजय नगर निवासी भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री भूपेश पाठक तमंचा लेकर उसे घर में घुस गया और छेड़छाड़ करने लगा। महिला के अनुसार उसने जब शोर मचाने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान उसका बेटा भी मौके पर आ गया और आरोप
आरोपी नेता ने उसके बेटे के साथ भी मारपीट की। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी भी मौके पर जुट गए। इस दौरान आरोपी लोगों को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। लालकों कोतवाली प्रभारी संजय कुमार का कहना है कि छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। चमोली जिले के लंगासू से कांडा मैखुरा मोटर मार्ग वर्षों बाद भी अधर में लटका हुआ है। आपको बता दें कि 18 सालों में यहां मात्र 13 किलोमीटर सड़क भी पक्की नहीं बन पाई है, जिससे बरसात में ग्रामीणों को आवाजाही की बड़ी समस्या हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार ये मोटर मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि ये मोटर मार्ग उक्त विभाग और ठेकेदारों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान हो गया है, क्योंकि कच्ची सड़क पर लगातार पुस्तें गिरने और सड़क मार्ग टूटने से बार बार इनको रिपेयर करवाने में मोटी धनराशि खर्च हो रही है। ग्रामीणों ने शीघ्र इसके डामरीकरण की मांग की है। तो बहुत परेशानी है। 2007 में इसकी सर्वे हुई थी, 2022 होने पूरा होने को है, आज तक रोड पे ढंग का काम नहीं हुआ। गड्ढे हैं या मैंने जाने आने जाने की बहुत परेशानी है। ठीक, विभाग को कई बार लिखित मौखिक कई बार बोल दिया है, लेकिन विभाग भी सोया हुआ है। मैं थोड़ा की ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, विधायक जो भी रहे, आज तक इस रोड की कार्रवाई किसी ने भी नहीं की। रोड की बहुत ही स्थिति खराब है। यहाँ पे बुजुर्ग आदमी है, कोई आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अचानक कुछ भी हो गया तो कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई इमरजेंसी आ गई तो कैसे ले जाएंगे रोड से? रोड पे गड्ढे हैं, छोटे बच्चे स्कूल वाले हैं, बाइक है, कैसे के ले जाएंगे और कैसे बच्चे पढ़ेंगे? ना तो यहाँ पे स्कूल है ढंग की, ना कुछ है। बस ऐसी परिस्थिति है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस रोड के लिए थोड़ा कार्रवाई कीजिए और इस रोड को ढंग से बनाने की कष्ट करें। धन्यवाद। बैरीनाग के सोर घाटी सस्ता गल्ला कल्याण समिति के यूनियन और थल मुवानी और पांखू सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन की महत्वपूर्ण बैठक सोर घाटी सस्ता गल्ला कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में चार निर्णय लिए गए कि जब तक विभाग पूरा राशन तोल कर नहीं देती है, प्रशासन विक्रेताओं को इंटरनेट का खर्चा नहीं देती है, इसके साथ ही उन्हें दुकान का मासिक किराए मासिक मानदेय नहीं देती है, तब तक वो विभाग विक्रेता किसी भी कीमत पर राशन का वितरण नहीं करेंगे। बैठक के बाद भड़के सभी गल्ला विक्रेताओं ने विभाग और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की और कहा कि सरकार अगर उनकी जायज मांग को नहीं मानकर उनका उत्पीड़न करेगी तो वो जिला कार्यकारिणी के आवाहन पर सामूहिक इस्तीफा देने के लिए बाध्य होंगे। चमोली के ग्वालतम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे सुनला स्थित अबुदय स्टोन क्रैशर के खिलाफ अब जनप्रतिनिधियों ने भी एक सुर में मोर्चा खोल दिया है और स्टोन क्रैशर के मनमाने रेट भंडारण समेत स्टोन क्रैशर की जांच की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में थराली और नारायण बकर के ब्लॉक प्रमुखों समेत दोनों विकास खंडों के भाषा मंडल अध्यक्षों के हस्ताक्षर है। हमारे जो कुछ प्रधान लोग हैं और कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इनका ये कहना है कि जो हमारे रेत महंगा कर रखा है, तो सभी का कहना ये है कि इसमें रेत जो महंगा कर रखा है वो कम करने की मांग कर रखी है। अगर कम ना करें तो इसमें कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई करेंगे। अगर इनके ये रेट कम नहीं किया जाता है तो हम खनन अधिकारी या विभाग पर कार्रवाई करेंगे। अगर जांच होती है, जैसे जांच करने के लिए हमारे SDM साहब जी जाते हैं, ये तहसीलदार साहब जाएंगे, तो किस प्रकार की जांच वो करते हैं उसमें वो भी कार्रवाई करें और हम भी उनके साथ हैं और हम भी कार्रवाई करेंगे इसके लिए। लोग आए थे और उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी महोदय को, जिसको हमने कल ही सुना दिया है, और इस पर मैंने तहसीलदार और जो खनन अधिकारी हैं उनको भी मैंने अपनी तरफ से भी इसमें कार्रवाई करते हुए उनको उसमें जाँच करने के लिए कह दिया है, ताकि वो चेक हो जाए कि मार्ग अनुसार चीज़ें हैं। हर समय पर चेकिंग होती रहती है। अभी हमने एक महीने पहले भी इसको चेक कराया था, तब उस समय ऐसा कोई मामला संज्ञान नहीं था। सर, भंडारण क्षमता की अगर बात, तो जो माननीय अधिकारी हैं वही इसको बता पाएंगे, क्योंकि उसका अनुज्ञा पत्र में उनको कितने की परमिशन मिली है उसी से इसकी जानकारी। पिथौरागढ़ जनपद की मुनस्यारी धारचूला तहसील आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील है, तो वहीं भूकंप में भी जोन 5 क्षेत्र में शामिल है। मॉनसून काल में भारी बारिश से प्राकृतिक आपदाएं सबसे अधिक इन दो तहसीलों में आती है। मॉनसून से पहले आपदा प्रबंध जिला प्रशासन दावे करता है कि आपदाओं के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पर आपदाओं के दौरान व्यवस्था शर्माती नजर आती है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि दावा कर रहे हैं कि आपदा को लेकर अभी कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहीं प्रशासन का कहना है कि हमने पिछले मॉनसून से भी ज्यादा पुख्ता व्यवस्था इस बार की है। इस संबंध में चूँकि हम लोगों ने रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स भी बना रखे हैं, प्लस हमारी पिछली बार की कंपैरेटिवली प्रिपरेशंस भी हैं, छिरकिला, खोटीला या ग्वालगांव के इशूज को हम लोगों ने एड्रेस कर लिया है, शेल्टर प्लेसेस भी हमारे आइडेंटिफाइड हैं, और साथ ही हमारी जो ट्रॉलीज लगी हैं उन पर PRD लगाने के लिए भी मेरी तरफ से निर्देशित किया गया, और कुछ जगह जो ट्रॉलीज लगने की ज़रूरत है जैसे खुमती में, तो उसके लिए एस्टीमेट्स और वो सब आ चुके हैं, तो इसमें इमीडिएटली हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। तो हमारी प्रिपरेशन वॉर फुटिंग मोड पे और अकॉर्डिंगली हम लोग उसको डील करेंगे। वो में भी उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला के साथ हमने इस विषय में बैठक की थी,
और आपदा के समय में हम उनको कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे, उससे पहले हमारी योजना क्या है। अभी तक मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कार्य हो पाया है। और अभी अभी जैसे हमारे खुमती में हैं और अन्य कई क्षेत्र में, आप हमारे प्रधान जी दूर अंतिम जोर चाइना बॉर्डर से आए हैं, वहाँ पर जाने के लिए मार्ग अवरुद्ध है, ठीक है, स्लाइडिंग है, लेकिन सड़क खुले, यातायात की सुविधा लोगों को मिले। और इसी प्रकार से मुंशियारी में है, तल्ला जौहर में है, सब क्षेत्र में काफ़ी हद तक जो सेंसिटिव जोन है हमारे, उनमें कम से कम व्यवस्थाएँ हो। आपदा से पहले उनको कैसे रख सकते हैं, टेंट की व्यवस्था हो, इस विषय में हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो हमारे घोषणा वाली सड़कें हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।